लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन। पटना में आज 20 विपक्षी पार्टियों का जमघट, सीएम नीतीश कुमार करेंगे स्वागत। विपक्षी एकता पर बैठक से पहले अचानक सीएम आवास पहुंचे लालू, 18 मिनट तक हुई बात। पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, राष्ट्रपति बाइडेन ने किया स्वागत, पीएम मोदी ने मेजबानी के लिए जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन, पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से की मुलाकात। मिशन मध्य प्रदेश पर अमित शाह बालाघाट से करेंगे गौरव यात्रा का शुभारंभ, कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने कसी कमर, आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम सोरेन, 5 विभागों में युवाओं को मिलेगी नौकरी। यूपी में आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, बिजली कटौती के खिलाफ आप यूपी में करेगी जन आंदोलन, आज होगा राज्यव्यापी आंदोलन। मणिपुर में जातीय संघर्ष जारी, मणिपुर पर चर्चा के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले, एकता के नाम पर हर दल थोप रहा है शर्तें, बताया बैठक के प्रारंभ में क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल। असम में बाढ़ का कहर जारी, 1,20,000 लोग प्रभावित, कई मकान डूबे। म्यांमार में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। चीन के यून चुआन में एक बारबेक्यू रेस्तरां में गैस विस्फोट, 31 लोगों की गई जान। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बीच रूस का बड़ा बयान, कहा हम भारत के साथ। डॉक्टरों ने किया बड़ा दावा, कोरोना वैक्सीन से गई थी शेनवॉन की जान। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भी बैजबॉल का साथ नहीं छोड़ेगा इंग्लैंड, कप्तान बोले इसी तरह खेलेंगे। पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एनपीएस के बड़े बदलाव पर विचार कर रही है सरकार, अंतिम वेतन का अधिकतम 45% हो सकती है न्यूनतम पेंशन। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू होगी आईआरसीटीसी की 7 ज्योतिर्लिंगों के लिए विशेष ट्रेन। हवाई सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, गो एयर की सभी उड़ानें रहेंगी रद्द, परिचालन संबंधी कारणों की वजह से रद्द की गई फ्लाइट। कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के दाम, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर।